अगर कोई आपसे कहे कि एक से लेके 95 यानी कि 95 तक की गिनती ऐड करके बताओ तो आप कैसे करोगे? तो प्रॉब्लम जो है वो दिखने में बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और यहाँ से हमें एक बहुत शानदार चीज़ सीखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड अदर इम्पॉर्टेंट सीरीज। ठीक है, तो फिजिक्स में कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ों को ऐड करना होता है, और जब हम चीज़ों को ऐड करते हैं तो एक खास पैटर्न बन रहा होता है, और अगर उस पैटर्न को हम पहचान जाते हैं तो फिर वो एडिशन जो है वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। बट फिजिक्स में मोस्टली एडिशन करने का एक और तरीका है जिसको हम कैलकुलस के अंदर पढ़ेंगे, उसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार है। बट एक बार ये वीडियो भी आपको देखना होगा ताकि आपको एडिशन जो है वो अच्छे से थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो अभी जो मैंने आपको सीरीज बताई ना, उसके अंदर एक पैटर्न बन रहा है। मैंने आपको बताया कि एक से लेके 95, तो ऐसे 1 + 2 + 3 ऐसे करते 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 आप कहाँ तक चले जाओ, 95 तक चले जाओ। तो आपको इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो आप एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कि 1 में 2 ऐड करो 3 हो जाएगा, 3 में ऐड करो 6 हो जाएगा, 6 में 4 ऐड करो 10 हो जाएगा। टाइम लगेगा बट इस तरीके से आप आसानी से ऐड कर सकते हो, तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जा सकती है। बट क्या और स्मार्ट तरीका है जो कि इसको प्रॉब्लम को बहुत आसानी से कर दे, मजा आ जाए आपको, तो वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो इसको अपन मान लेते हैं कि जो भी ये नंबर निकल के आएगा उसको हम मान लेते हैं कि ये एस एस स्टैंड्स फॉर सम, तो जो भी सम निकल के आएगा उसको हमने कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, आप में से कोई बच्चा है उसको शौक है किसका, कि जब भी उसको काउंटिंग बोली जाती है ना तो बचपन में उसने इतनी बार प्रैक्टिस कर रखी है कि वो हमेशा उस काउंटिंग को रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिखता है। तो उसको भी जब बोला गया कि यार 1 से लेके 95 तक को ऐड करो, तो उसने इसको इस तरीके से लिखा, 95 यहाँ पे, फिर 94 यहाँ पे, फिर 93 यहाँ पर, इस तरीके से करते 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 आखिरी में 1 यहाँ पर। अच्छा, कर तो ये भी सेम एडिशन रहा है तो इसकी वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, एस आनी चाहिए। सेम चीज़ को देखने के दो अलग अलग नज़रिए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक ने इस ऑर्डर के अंदर ऐड किया है और एक ने उल्टे ऑर्डर के अंदर ऐड किया है, लेकिन इससे हमें बहुत फ़ायदा हो गया। अगर आप इसको और इसको ऐड कर दो, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, अगर आप इसको और इसको ऐड कर दो तो आपको देखना एक पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। 91 + 95 + 1 करोगे तो कितना बनेगा, 96। 94 + 2 करोगे तो भी कितना बनेगा, 96। 93 + 3 करोगे तो भी कितना बनेगा, 96। आप देख रहे हो कि इन दोनों को ऐड करने पर हर टर्म कितनी बन जाती है, 96 बन जाती है। 95 + 1 करोगे तो कितना बनेगा, 96। और इधर एस और एस को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एस बन जाएगा। अब इसको ऐड करना बड़ा आसान है, अभी मैं इसको इससे ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि 95 × 96 लिखा हुआ है, तो इस ट्वाइस ऑफ एफ की वैल्यू हो जाएगी 95 × 96, तो एस की वैल्यू हो जाएगी 95 × 96/2। अब इसको तो सॉल्व किया जा सकता है, आप 2 से 96 को कैंसिल आउट कर सकते हो, 4 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, 95 को 48 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 5 40 power 4, 8 × 9 72, 476, 4 × 5 20, 0 power 2, 4 × 9 36 एंड 38, तो ये आ जाएगा 0 6 8 और 7, 15 power 1 3 and 1 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब 4560 अगर आप अपने कन्वेंशनल मेथड से ऐड कर रहे होते ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। इस तरीके से हमने बड़ी आसानी से ऐड कर दिया। तो अब हम इसको अगर जनरलाइज करें तो अगर हमें 1 से लेके 2 3 4 ऐसे करते करते अगर हमें सपोज करो एन इंटीजर्स को सम करना हो, तो अब हमें एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है कि जहां तक सम करना हो वो, तो मैंने 95 यहां पे लिखा हुआ था, फिर 95 में एक ऐड कर दो, यानी कि एन में मैंने क्या कर दिया, एक ऐड कर दिया, और फिर उसको किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया जिसमें आप किसी भी इंटीजर तक की काउंटिंग जो है उसको आसानी से ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला बता देता हूँ, कई बार आपको इसकी स्क्वायर को ऐड करना पड़ता है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे करना पड़ता है आपको, है ना, एन स्क्वायर, तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी वैल्यू होती है एन इंटू एन प्लस वन
इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, ये होती है इसकी वैल्यू। करके देख लो, जैसे अपन वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर को ऐड करते हैं, तो वन स्क्वायर तो वन हो जाएगा, टू स्क्वायर फोर हो जाएगा, थ्री स्क्वायर कितना हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, नाइन फोर थर्टीन और वन फोर्टीन हो जाएगा। हमारे फॉर्मूले के हिसाब से एन की जगह थ्री रखेंगे तो थ्री, थ्री प्लस वन फोर, थ्री इंटू टू सिक्स प्लस वन सेवन डिवाइडेड बाय सिक्स, थ्री से सिक्स चला गया, टू से फोर चला गया, सेवन इंटू टू करोगे तो कितना आ रहा है, फोर्टीन आ रहा है। तो अब हमें मैनुअली ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में ऑलरेडी फॉर्मूलाज आ चुके हैं। तो ये कुछ सीरीज हैं जिनका सम हमें फिजिक्स के अंदर कभी कभार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय फेस करना पड़ सकता है, तो वहां पर आप ब्लैंक मत हो जाना, वहां पर आपको ये फॉर्मूलाज जो है वो पता होने चाहिए। किस तरीके से आए वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, राइट। अब यहाँ पे एक खास चीज देख रहे हो कि जब हम काउंटिंग को ऐड कर रहे हैं तो काउंटिंग में एक खास पैटर्न होता है कि हर नंबर अपने पिछले वाले नंबर से एक ज्यादा होता है। मतलब कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स उठा लो, उनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ऐसी सीरीज को अपन बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में बोला जाता है एपी। तो एपी आपको कैसे दिखाई देगी, कोई भी नंबर होगा फिर उसमें आप कुछ ऐड करते जाओगे, जैसे आपने डी ऐड कर दिया, फिर आपने इसी डी को वापस से ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा ए प्लस टू डी, फिर इसी के अंदर डी ऐड कर दिया तो ए प्लस थ्री डी। तो कोई से भी दो नंबर उठा लो, इसको इसको उठाओगे डिफरेंस डी है, इसको इसको उठाओगे डिफरेंस डी है, इसको इसको उठाओगे डिफरेंस डी है। ऐसे करते 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 अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ इस सीरीज की nth टर्म कौन सी होगी, तो आप देख रहे हो सेकेंड टर्म के अंदर वन आ रहा है, थर्ड टर्म के अंदर टू आ रहा है, फोर्थ के अंदर थ्री आ रहा है, तो nth टर्म के अंदर क्या आना चाहिए, एन माइनस वन डी आना चाहिए। ये कहलाती है nth टर्म। ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर अपन मैथ्स पढ़ रहे होते तो इट वॉज इंपॉर्टेंट, बट फिजिक्स के हिसाब से सम जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसको सम करने का तरीका मैंने बताया था, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, रिवर्स ऑर्डर में लिख के ऐड करोगे तो फाइनली इसके सम का फॉर्मूला आएगा एन, इस तरीके से लिखो, ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी टाइम्स एन डिवाइडेड बाय टू। किस तरीके से याद करते हो आप इसको, ऐसे लिख के याद करते हो, ऐसे लिखते होंगे आप, ठीक है, एन डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक सीरीज दी कि इनको ऐड करो, थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन, ठीक है, और थर्टीन, इसको ऐड करके बताओ कितना होगा। तो हमने देखा कि यार ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, क्योंकि हर दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, टू आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है, टू आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है, टू आ रहा है, यानी कि डी की जो वैल्यू है वो कितनी है, टू है। हमारी सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, थ्री से, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, थ्री है, और कितनी टर्म्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टर्म्स है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिक्स हो जाएगी। तो फॉर्मूले में जो रखने के लिए इंग्रेडिएंट्स है वो मिल चुके हैं, तो एस की वैल्यू हो जाएगी एन बाय टू, मतलब सिक्स डिवाइडेड बाय टू, ट्वाइस ऑफ ए, ए कितना है हमारा, थ्री, प्लस एन माइनस वन, यानी कि सिक्स माइनस वन करोगे तो फाइव आ जाएगा, एंड डी है हमारा टू, तो ये हो जाएगा सिक्स बाय टू करेंगे तो थ्री हो जाएगा, थ्री इंटू टू सिक्स, फाइव इंटू टू टेन, टेन और सिक्स सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू थ्री करोगे तो ये आ जाएगा 48। आप ऐसे भी ऐड करते तो 48 आता, 5 और 3 8 प्लस 7 15 प्लस 9 24 प्लस 11 35 फिर 38 और 10 48, ठीक है। अगर सीरीज छोटी है तो मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं, बट ना हमारे पास में फॉर्मूला तो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है, और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सामना हमें करना पड़ सकता है फिजिक्स के अंदर, इसलिए मैंने आपको ये चीज मेंशन करके बताई है यहां पर, ठीक है ना। उसके अलावा क्या आ सकता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ सकती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, एक बार मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। अगर आपकी कोई ऐसी सीरीज बन रही हो कि कोई भी नंबर है, अब आप जैसे यहां पर किसी नंबर को बार बार ऐड करते चले जा रहे थे,
वैसे यहाँ पे किसी नंबर को आप बार बार मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हो, तो जैसे r से मल्टीप्लाई कर दिया, वापस से r से मल्टीप्लाई करोगे तो r स्क्वायर आ जाएगा, वापस से r से मल्टीप्लाई करोगे तो ar क्यूब आ जाएगा। ऐसे करते करते nth टर्म की अगर बात करें तो हमने देखा सेकेंड टर्म में 1 आ रहा है, थर्ड में 2 आ रहा है, फोर्थ में 3 आ रहा है, तो nth टर्म में क्या आना चाहिए, n माइनस 1 आना चाहिए। तो ये बन जाएगी हमारी nth टर्म। इसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हमें इसके सम में इंटरेस्ट है। तो इसका सम जो है ना वो दो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। वैसे जनरल फॉर्मूला तो है इसके सम का, s इज इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, ये है इसका। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने ले लिया 2, फिर ले लिया 4, फिर ले लिया 8, फिर ले लिया 16, फिर ले लिया 32। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि क्या ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो आप देख रहे हो कि हाँ, बार बार 2 से मल्टीप्लाई करके हमें सीरीज बनती हुई नजर आ रही है। तो इसका सम जो सर ने फॉर्मूला बताया उसके आधार पर निकाला जा सकता है। यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, यहाँ पर जो रेशियो, रेशियो का मतलब है इसमें से इसको डिवाइड कर दो, तो 4 से 2 को डिवाइड करोगे तो वो नंबर जिससे आप बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो कितना नज़र आ रहा है आपको, 2 नज़र आ रहा है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो n की वैल्यू है 5। तो हमारा सम आना चाहिए a दैट इज 2, r दैट इज 2, 2 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, और 32 में से 31 माइनस करेंगे तो बचेगा 31, और अल्टीमेटली इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 62 आ जाएगा। मैन्युअली भी ऐड करके देख लो, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 8 14, प्लस 16 30, एंड प्लस 32 62। तो हमारा सम एग्जैक्टली राइट है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। बट यार इस फॉर्मूले में एक दिक्कत है कि अगर ये सीरीज इनफाइनाइट टर्म्स तक जारी होती है, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इससे जो आंसर निकल के आता है वो इनफाइनाइट निकल के आता है। तो अगर ये फॉर्मूला तो हमें तब यूज करना है जब r जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। अगर r लेस देन 1 हो तो हमें और भी सिंपल फॉर्मूला यूज करना होगा, वो है a डिवाइडेड बाय r माइनस 1। इसका भी एग्जांपल लेते हैं, ये फिजिक्स में तुम्हें ज़्यादा मिलेगा। जब आपका जो नंबर जिससे आप बार बार मल्टीप्लाई करते जा रहे हो वो 1 से छोटा होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे एक सीरीज लेते हैं 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32, और ध्यान रखना इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इनफाइनाइट है, इसीलिए हमने यहाँ पर फॉर्मूले में नंबर ऑफ टर्म्स को मेंशन ही नहीं किया। तो ये कहाँ तक चली गई, इनफाइनाइट तक चली गई। अब आपको लगेगा सर इनफाइनाइट तक चली गई तो इसका तो सम भी इनफाइनाइट आना चाहिए, बट इनफाइनाइट नहीं आएगा क्योंकि हर टर्म जो है ना वो छोटी होती चली जा रही है। तो इसको अपन बोलते हैं कि ये जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी, मतलब इसका जो सम है, इवन इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम है वो भी क्या आएगा, एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। और उसका फॉर्मूला हमारे पास में ऑलरेडी है, क्या है, ए यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, यहाँ पे आर माइनस 1 लिखने की बजाय 1 माइनस आर लिख लो क्योंकि आर 1 से छोटा है, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा 1/2, और नीचे भी 1 माइनस 1/2 करोगे तो 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा आपका 1। तो बड़ा सरप्राइजिंग सा है, इसको अपन अब मैनुअली तो चेक नहीं कर सकते इनफाइनाइट टर्म्स का सम करके, तो हमें ऑब्वियसली मैथ्स के ऊपर ही भरोसा करना पड़ेगा। तो इस तरीके की सीरीज की इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो सीरीज मैंने आपको बताई है, जैसे अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो मैथ्स के अंदर आप देखोगे कि आपके बहुत ही ज़्यादा यूज़ आएगा ये सीरीज एक्सपेंशन। तो मैथ्स वाले बच्चे अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो और जानना चाहते हैं सीरीज के बारे में, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। अदरवाइज फिजिक्स के अंदर अगर आपको उतनी मैथ्स पढ़नी है जितनी फिजिक्स के अंदर यूज आएगी आपके, तो उसके लिए इतनी जो जानकारी है वो काफ़ी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, डिफरेंशिएशन की। मैं मिलता हूँ आपसे, बाय।